हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग चालू करेंगे पर्सनावली थ्री क्यों कक्षा 11th का यह मैथ है और नगीन प्रकाशन की है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीछे का प्रश्नावली नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारी वीडियो पीछे का पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं हम लोग। कितना है 5 cos θ + 3, इसको cos A + B के नियम पर तोड़ देंगे। cos A (cos B - sin A) (sin B 5/3, और ये प्लस कितना हम लोग का 3। अब कितना हो जाएगा 5 cos θ + 3, यहाँ से बोलिए cos π/3 का 60° का मान कितना होता है 1/2, यानी cos θ/2 हो जाएगा। माइनस sin 60° का मान कितना होता है हम लोग का करड़ी में 3/2 sin θ हो जाएगा हम लोग का, और ये प्लस 3। 3 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करा देंगे। 5 cos θ + 3 से गुणा करा देंगे 3/2 cos θ - यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 3 करड़ी में 3/2 sin θ, और ये प्लस 3 वैसा ही उतरा गया हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा ये cos θ, ये भी cos θ, इस 2 का क्या कर देंगे, 3 गुणा करा देंगे। 2 × 5 = 10, 10 × 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 13 cos θ, बटे में कितना हम लोग का 2 - 3 करड़ी में 3 2, और ये sin θ प्लस कितना हम लोग का 3। अब देखिए इसे A cos θ + B sin θ से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, A = 13/2 और B = -3 करड़ी में 3/2। क्या होता है कि इसका स्क्वायर करके इसका महत्तम मान निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का महत्तम मान क्या होगा हम लोग का, कि A cos θ + B sin θ से तुलना करेंगे और ए बी का मान जितना आता है उसे अंडर रूट में स्क्वायर करके मान निकाल लेते हैं उसका महत्तम मान। ए का मान कितना हम लोग का 13/2 है, बी का मान कितना है 3/3 - 3/2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, कि 13 का स्क्वायर 169 होगा, बट्टे में कितना हम लोग का 4। ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9, और ये इस 3 का क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट हट जाता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हुआ था, 9 × 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 27, और नीचे का कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए नीचे का हर बराबर है तो ऊपर का जोड़ देंगे। 9 × 7 कितना हो जाएगा हम लोग का, नीचे का हर बराबर है तो लिखते हैं ऊपर का जोड़ते हैं, 9 × 7 = 16, 6 × 2 = 8, 1 = 9, और ये कितना हम लोग का 1। ऊपर का वर्गमूल क्या निकलेगा हम लोग का 14, और नीचे क्या निकलेगा 2 से कटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का महत्तम मान कितना आया हम लोग का, कि 7 आया है, प्लस यहाँ से क्या दिया हम लोग का, केवल 3 दिया है, 7 × 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 10, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कितना हम लोग का कि A = sin²θ + cos⁴θ है, इसको क्या करेंगे कि वास्तविक मान के लिए हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का वास्तविक मान। देखिए sin²θ, इसे क्या करेंगे हम लोग 2 × cos²θ × cos²θ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो cos⁴θ आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसको वैसा ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि एक फंक्शन को साइन में बदल देंगे। 1 - कितना होता है हम लोग का sin²θ होता है, क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी sin²θ + कितना हम लोग का cos²θ, गुणा होगा तो -sin²θ, और इंटू कितना हम लोग का cos²θ। यहाँ से इसका मान कितना होता है हम लोग का 1 होता है, sin²θ + cos²θ का मान 1, और ये वैसे ही उतार देंगे sin²θ * कितना हम लोग का cos²θ। अब देखिए क्या करेंगे कि 4 से भाग कर देंगे, और 4 से क्या कर रहे हैं हम लोग, गुणा कर रहे हैं सूत्र बनाने के लिए sin²θ cos²θ। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4 × 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग का वही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 sin θ * कितना हम लोग का cos θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, स्क्वायर करते जाएंगे हम लोग का आ जाएगा पीछे का फंक्शन 1/4। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, कि sin²θ का फार्मूला है तो sin²²θ हो जाएगा, स्क्वायर है तो अंदर लिया देंगे, एक लाइन डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ भी हम लोग का दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्या होगा हम लोग का कि मिनिमम इसका मान क्या होता है हम लोग का कि साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर अगर कोई भी रहेगा हम लोग का तो उसका मिनिमम मान क्या होगा हम लोग का जीरो होगा और मैक्सिमम मान क्या होगा हम लोग का उसी पद का कि मैक्सिमम मान क्या होगा हम लोग का एक के बराबर होगा। अब देखिए इसका निकालेंगे क्या हम लोग फंक्शन का पूरा निकालेंगे। ए दिया है तो एक हम लोग यहाँ पर निकाल लें कि मिनिमम ए का मान कितना होगा हम लोग का मिनिमम फंक्शन का मान कितना होगा कुल सबका। तो देखिए वन में से क्या करेंगे हम लोग कि मिनिमम ए निकालेंगे तो वन में से हम लोग हटा देंगे कितना कि साइन स्क्वायर थीटा की गुणांक जितना रहेगा उतना हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3/4 हो जाएगा मिनिमम मान। इसका गुणा करेंगे 4 * 4 में से घटेगा 3/4 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम फंक्शन का मान निकाले यानी ए का मान तो कितना हो जाएगा 1 - 1/4 और कितना हम लोग का देखिए मैक्सिमम मान के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 1 - 1/4 घटाएंगे जो साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम मान के लिए क्या करेंगे हम लोग कि मिनिमम मान के लिए हम लोग इसका मान तो हम लोग का ये मिनिमम मान के लिए क्या होता है हम लोग का कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना होता है 0। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसे काट देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन बस याद रखिए। और जब मिनिमम अब निकालना रहेगा किसका हम लोग का फंक्शन का, किसका निकालेंगे हम लोग फंक्शन का ए का। मिनिमम जब ए का निकालेंगे तो क्या करेंगे कि हम लोग इसका क्या होगा हम लोग का कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे मिनिमम के लिए पूरा फंक्शन का मान। इतना ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना रख रहे हैं मिनिमम के लिए 1 रख रहे हैं, लेकिन ये हम लोग का होता है रियल में इतना होता है मिनिमम के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 होता है और मैक्सिमम के लिए अधिकतम के लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 होता है। लेकिन फंक्शन के लिए मिनिमम मान क्या होता है हम लोग का कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 होता है और मैक्सिमम के लिए फंक्शन के लिए क्या होता है हम लोग का कि 0 होता है। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 1 - 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा मिनिमम मान। और मैक्सिमम मान क्या होगा हम लोग का, मैक्सिमम मान तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 1 - 1/4। फंक्शन कितना हम लोग का इतना है 1 - 1/4। साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे मैक्सिमम के लिए। देखिए मैक्सिमम के लिए तो 1 होता है लेकिन क्या रख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम के लिए फंक्शन के लिए कि 0 रखेंगे। अगर फंक्शन नहीं रहता तो हम लोग का यही पर वैल्यू हो जाता हम लोग का 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन फंक्शन 1 दे दिया ए तो ए के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जब मिनिमम कहेगा तो मैक्सिमम का मान रखेंगे वहाँ मिनिमम के साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान 1 और मैक्सिमम के लिए क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1 - 0 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इसका वैल्यू किस तरह डिफाइन करेंगे हम लोग तो 3/4 क्या हम लोग का मिनिमम मान है, 3/4 क्या होगा मिनिमम मान हम लोग का इज ग्रेटर देन क्या होगा हम लोग का फंक्शन होगा इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा हम लोग का 1 होगा। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या करेंगे कि इसको हम लोग साइन कॉस में बदल लेंगे यानी कितना हो जाएगा साइन 20 अंश, इसको बदलेंगे कितना हो जाएगा कॉस 20 अंश। अब क्या करेंगे हम लोग कि नीचे का हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे जिस तरह भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं, कितना हो जाएगा करणी में 3 cos 20 अंश माइनस साइन कितना हम लोग का 20 अंश और नीचे का एक बार गुणा करा देते हैं कितना हो जाएगा साइन 20 अंश इंटू कॉस 20 अंश। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि 2 से गुणा करा देंगे और 2 से भाग करा देंगे ऊपर नीचे दोनों में यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 2 से तो ऊपर गुणा करा दिए हैं नीचे भाग कर देंगे करणी में 3/2 cos कितना हम लोग का 20 अंश माइनस 1/2 sin कितना हम लोग का 20 अंश, ये हो गया वैल्यू। और नीचे भी यही प्रक्रिया करेंगे 2 से गुणा करा देंगे और 2 से भाग, तो भाग करेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग का 2 sin थीटा इंटू कास्ट थीटा का फार्मूला बनेगा इसलिए 2 का गुणा करा रहे हैं और ऊपर क्या किए हैं कि 2 का भाग किए हैं। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इन में से कॉमन करके कटाएंगे तो फिर हम लोग का वही फंक्शन आ जाएगा पीछे का। अब कितना हो जाएगा हम लोग का 2 cos कितने का मान, ये करणी में 3/2 होता है तो cos कितने का मान होता है हम लोग का 30 अंश का, तो लिख देंगे cos 30 अंश, cos कितना हम लोग का 20 अंश माइनस ये कितना होता है साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश माइनस साइन कितना हम लोग का 20 अंश और नीचे 1/2 ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का है थीटा की जगह पर कितना हम लोग का 20 अंश है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि ये 2 कहाँ चला जाएगा हम लोग का ऊपर चला जाएगा यानी 2 दुना कितना हो जाएगा हम लोग का 4,
कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए प्लस बी का सूत्र है 30 अंश प्लस कितना हम लोग का 20 अंश, और नीचे कितना हम लोग का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 40 अंश। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग का मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ फाइंड वैल्यू हम लोग का नहीं आ रहा है, यानी 45 अंश नहीं आ रहा है, 60 अंश नहीं आ रहा है, जोड़ने पर 20-30 जोड़ेंगे तो 50 होगा हम लोग का, इसलिए गलती हो रहा है। तो देखिए करणी में 3/2 कितने का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का, तो साइन 60 अंश कर देंगे। 1/2 किसका मान होता है, कास 60 अंश का मान होता है। अब देखिए साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, साइन ए प्लस बी का अगर माइनस रहता है तो साइन ए माइनस बी का हो जाता है, यानी 60 अंश माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 20 अंश, कितना हो जाएगा हम लोग का 4, और ये कितना हो जाएगा घटेगा तो साइन 40 अंश, और नीचे भी कितना हम लोग का साइन 40 अंश कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हम लोग का 4 इंच बर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कास एक्स बराबर कितना हम लोग का 10y है, ये मान दे दिया, क्या कह रहा है कि साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मैंने साइन एक्स बराबर होगा। देखिए कास एक्स बराबर 10y दिया है, 10y लिख लिए, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे आन स्क्वायर बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए इतना हो गया हम लोग का, तो कास स्क्वायर कितना हम लोग का, कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, इतना लिख सकते हैं। इतना क्यों लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि 1 + tan² θ होता है, 1 को इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10² θ हो जाएगा, थीटा की जगह पर क्या हम लोग का वाई है, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, और ये थीटा की जगह पर क्या कर देंगे वाई, यानी 10² y का मान क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, वाई डायरेक्ट लिख दिए हैं वहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1 को देखिए इधर लिया देंगे तो 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + कितना हम लोग का कासी स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर वाई, वाई से ही हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए 1 + कितना हम लोग का कासी स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर वाई को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा हम लोग का कासी स्क्वायर वाई होगा। अब देखिए कासी स्क्वायर वाई, कास वाई का मान 10z दिया था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग कि कास वाई इक्वल टू लिख देंगे 10z लिख देंगे, 10 कितना लिख दिया हम लोग जेड, यानी कास वाई की जगह पर 10z रख रहे हैं, तो 1 + कास स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, ये कास वाई की जगह पर 10z यानी 10² z हो जाएगा। 10² z का क्या करेंगे हम लोग कि ऊपर ले जाएंगे तो काट हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू काट स्क्वायर कितना हम लोग का जेड, काट स्क्वायर जेड को क्या कर देंगे हम लोग साइन कास में बदल देंगे, यानी कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर जेड बटे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड, इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या करेंगे कि सबको एक फंक्शन में बदल देंगे, यानी 1 + कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना हम लोग का नीचे साइन स्क्वायर जेड है, तो इसको कास में बदलेंगे तो कास स्क्वायर जेड हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या हम लोग का 1 - कास स्क्वायर थीटा होता है, तो जेड है तो कास स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब देखिए कास जेड बराबर कितना हम लोग का है, यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर चुकी करके फिर लिखेंगे कास जेड इक्वल टू कितना हम लोग का 10x, यहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोग का जेड है वहाँ क्या रखेंगे 10x रख देंगे। देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि 1 + 10 1 + कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये कास जेड की जगह पर हम लोग का 10x, यानी 10² x हो जाएगा, स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 - 10² क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स हो जाएगा, क्योंकि कास जेड बराबर कितना हम लोग का 10x है, तो रख दिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको साइन कास में बदल देंगे, 1 + कितना हम लोग का ये कास स्क्वायर एक्स था, ये भी कास स्क्वायर एक्स है, यानी कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हम लोग का साइन कास में बदलेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर एक्स एक्स लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका तिरिया गुणा करा देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 + कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे इसका इसमें गुणा करा देंगे कास स्क्वायर एक्स माइनस कितना हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कहेंगे कि नीचे का कहाँ गया, नीचे का हम लोग का ये इसका गुणा करा के नीचे का लिखेंगे, नीचे से नीचे ये कटा दिए कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स, इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कि सबको एक फंक्शन में बदल देंगे, यानी एक फंक्शन में बदलने का मतलब क्या है कि सबको साइन में कर देंगे, क्योंकि साइन एक्स बराबर हम लोग को चाहिए,
साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, वन प्लस कॉसेक को क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या कर रहे हैं कॉस को, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक पहले ही से हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स है। ध्यान दीजिएगा, वन वन जुटेगा टू, साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स इक्वल टू, साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, और नीचे वन माइनस कितना हम लोग का टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका क्या कर देंगे, तिरिया गुणा करा देंगे, तिरिया गुणा कराएंगे तो क्या होगा हम लोग का, टू माइनस फोर साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, माइनस साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, और प्लस कितना हम लोग का टू साइन पर पावर फोर एक्स, और कितना हम लोग का इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग कि सब फंक्शन एक तरफ करेंगे, यानी सब फंक्शन एक तरफ करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिए सब फंक्शन एक तरफ करने का मतलब क्या है हम लोग का कि टू साइन पर पावर फोर एक्स है पहले, तो इसको आगे लिख लेंगे, टू साइन पर कितना हम लोग का फोर एक्स, और कितना हम लोग का है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी माइनस चार, और ये कितना हो जाएगा पाँच, और ये आएगा इधर से कितना हो जाएगा छः, माइनस छः साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, और ये कितना हम लोग का प्लस दो है इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का जीरो, क्योंकि उधर का फंक्शन इधर लिया दिए हैं। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए दो कामन है यानी सब में से दो कामन कर लेंगे, साइन पावर फोर एक्स माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको क्या करेंगे हम लोग कि श्रीधराचार्य सूत्र पर हम लोग तोड़ देंगे, यानी श्रीधराचार्य सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर श्रीधराचार्य सूत्र लगाऊँ तो ये भी क्या होगा कि चार मिनट पाँच मिनट का वीडियो बनाए, पाँच मिनट और लग जाएगा श्रीधराचार्य का सूत्र पर हल करेंगे, तो आप लोग हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का, थ्री माइनस अंडर रूट में फाइव अपान टू मिलेगा, ये मिलेगा, ये एक तो प्लस में मिलेगा और एक माइनस में मिलेगा, तो माइनस वाले को लेकर हम लोग हल करेंगे ताकि हम लोग का सूत्र मिल जाए, मैंने साइन में हम लोग का, प्लस वाला नहीं लेंगे, एक मिलेगा थ्री प्लस अंडर रूट में फाइव अपान कितना हम लोग का टू मिलेगा, इसको हम लोग ले रहे हैं, इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को, इसको ले रहे हैं थ्री माइनस कितना हम लोग का अंडर रूट में फाइव अपान टू, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का कि इसको क्या करेंगे कि दो से गुणा करा देंगे और दो से भाग, थ्री माइनस अंडर रूट में फाइव अपन कितना हम लोग का टू यानी फोर हो जाएगा। अब देखिए कि क्या करेंगे हम लोग कि इतना हो गया, दो से फिर कटा देंगे तो फिर हम लोग को उतना ही हो जाएगा, इसको स्क्वायर के रूप में हम लोग क्या किए कि स्क्वायर के रूप में इसे काट देंगे, चलिए इस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हम लोग का, इसे स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में फाइव माइनस वन बाई टू का क्या लिख सकते हैं, होली स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अंडर रूट फाइव का करेंगे तो पाँच होगा, इसका करेंगे तो वन होगा, पाँच या कितना हो जाएगा छः, माइनस टू ए बी दो करण में पाँच होगा, दो कामन करके कटा देंगे तो क्या होगा हम लोग का, नीचे का चार हो जाएगा, ऊपर से दो कामन करके घटाएंगे तो फिर हम लोग का यही आएगा, अगर इसे हल करेंगे तो, इतना ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग कैंसिल, यानी साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा हम लोग का, अंडर रूट में फाइव माइनस वन बाई टू मिलेगा, अंडर रूट में फाइव माइनस वन बाई टू यानी इसका क्या करेंगे हम लोग कि दो से गुणा करा देंगे और दो से भाग करा देंगे, यानी चार हो जाएगा, और दो से क्या किया हम लोग गुणा करा दिए। अब देखिए साइन एक्स बराबर कितना हम लोग का, तो ये कितने का मान साइन में होता है हम लोग का, तो दो आगे लिख देंगे, ये साइन अठारह अंश का मान है हम लोग का, साइन कितने अंश का मान है, अठारह अंश का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, तो अठारह अंश हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा, क्या करेंगे कि एक एक फंक्शन को हल करके हम लोग रख देंगे, मान हम लोग का आ जाएगा, एकदम उत्तर आ जाएगा, एक फंक्शन को हल कर रहे हैं, पहला फंक्शन कितना हम लोग का थ्री साइन थीटा माइनस कितना हम लोग का एक कॉस थीटा, और इस पर पावर कितना हम लोग का फोर है, क्या करेंगे कि स्क्वायर लिख देंगे थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और इस पर भी पावर क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, दो दुना के चार आ जाएगा हम लोग का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का कि ए स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टू साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कॉस थीटा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग का एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है हम लोग का एक होता है, एक माइनस ये क्या हो जाएगा हम लोग का टू साइन थीटा इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इस पर कितना हम लोग का स्क्वायर लिखा गया,
इसको भी आगे हल करेंगे। अब a माइनस बी से तो a माइनस ए का स्क्वायर एक होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो दो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लगा दिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन टू का स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी टू दो दुना कितना होगा हम लोग का चार, माइनस चार साइन थीटा इन टू कितना हम लोग का कास थीटा। इतना ध्यान दीजिए हम लोग का, इतना ये हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग कि सबका गुणा करा देंगे, यानी तीन का में कितना हो जाएगा तीन, तीन छः का कितना हो जाएगा हम लोग का बारह, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हम लोग का कास स्क्वायर थीटा, तीन छः का कितना हो जाएगा हम लोग का बारह साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कास थीटा। इतना हो गया हम लोग का, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन हल हो गया हम लोग का, दूसरा फंक्शन अब क्या कर रहे हैं हम लोग हल करने जा रहे हैं इसको, मतलब तो ये छः कितना हम लोग का साइन थीटा प्लस कितना है कास थीटा का होल स्क्वायर है, छः ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे कितना हो जाता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कास थीटा। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ दिए, तो इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का एक धन टू साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कास थीटा। क्या कर देंगे कि छः से हम लोग गुणा करा देंगे, यानी छवे का में छवे का में छः, छः दुना कितना हो जाएगा हम लोग का बारह साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कास थीटा। ये दूसरा फंक्शन भी हल हो गया हम लोग का, तीसरा फंक्शन हल करना है यानी इसको, बस इसी में थोड़ा सा दिक्कत है, हल्का फुल्का दिक्कत आएगी आप लोगों को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन पर पावर कितना हम लोग का सिक्स थीटा है प्लस कास पर पावर कितना हम लोग का सिक्स थीटा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसे क्या लिख रहे हैं हम लोग, अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का तीन घात, इसको भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का तीन घात। देखिए द्वितीय छः द्वितीय कितना आ जाएगा हम लोग का छः आ जाएगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है हम लोग का होल क्यूब, ए का मान इतना है बी का मान इतना है इसका होल क्यूब, और माइनस कितना होता है हम लोग का माइनस नहीं प्लस होता है, माइनस होता है हम लोग का थ्री ए बी थ्री ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और एक कोष्ट में क्या होता है हम लोग का कि ए प्लस बी होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का कास स्क्वायर थीटा। ये ध्यान दीजिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है हम लोग का, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए कोष्ट में ए प्लस बी, ए का मान इतना है बी का मान इतना है, ध्यान दीजिएगा इसका मान कितना होता है हम लोग का वन होता है, वन का होल क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग का वन होता है, वन का क्यूब करेंगे तो वन ही होगा हम लोग का थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हम लोग का कास स्क्वायर थीटा। देखिए इसका भी वैल्यू हम लोग का वन होता है, यानी वन से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा हम लोग का उतना ही होगा, चार से गुणा करा देंगे चार एक में चार, चार थे कितना हम लोग का बारह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हम लोग का कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, सबका फंक्शन हम लोग जोड़ेंगे, यानी अब क्या कर रहे हैं नीचे का मूड़ी बना रहे हैं, यानी नीचे का मूड़ी मतलब क्या हम लोग का चूकी, यानी सबको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा हम लोग का पहले फंक्शन का मान कितना आया था, इतना है इसको लिख देंगे थ्री बारह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस बारह साइन थीटा इंटू कितना हम लोग का कास थीटा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पहला फंक्शन लिखा गया, दूसरे फंक्शन का मान कितना आया था हम लोग का छः धन कितना हम लोग का बारह साइन थीटा और इंटू कितना हम लोग का कास थीटा, तीसरे फंक्शन का मान दिए चार माइनस बारह साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हम लोग का कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए बारह साइन स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, ये भी क्या होगा हम लोग का प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तीन और छः जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा, नौ चार कितना हो जाएगा हम लोग का तेरह, ये क्या हो जाएगा तेरह हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग का छठा हुआ है, तो कितना हम लोग का साइन एक्स प्लस कास एक्स इक्वल टू एम है, क्या करना है कि साइन पर पावर इतने का वैल्यू हम लोग को याद करना है, इसको पहले हल करेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स पर बराबर कितना हम लोग का एम है। देखिए लिख देंगे क्या हम लोग की आन स्क्वायर बोथ साइड लिख देंगे, आन स्क्वायर बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम लोग वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा कास एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का यम का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा फिर वही हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स प्लस टू ए भी होता है टू साइन एक्स इंटू कितना हम लोग का कास एक्स इक्वल टू यम का स्क्वायर करेंगे यम स्क्वायर होगा,
इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और ये 2 साइन एक्स इंटू कितना हम लोग का कास एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स इक्वल टू कितना हम लोग का एम स्क्वायर माइनस 1, 2 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू कास एक्स का मान कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे इस पर 3 घात, और कास का लिखेंगे क्या हम लोग कास स्क्वायर एक्स, और इस पर भी पावर लिखेंगे क्या हम लोग 3 घात, 3 × 6 3 × 6 हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का क्या होता है हम लोग का होल क्यूब होता है, अभी पिछले प्रश्न में पढ़े हैं माइनस 3 भी होता है, 3ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स, और एक क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हम लोग का कास स्क्वायर एक्स, ये हम लोग का ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा कि 8 वाला सूत्र नहीं लगेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, वो नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे हट के जो फार्मूला है उसको लिख रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग का, तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ध्यान दीजिएगा कि इसे 2 बार लिखिए, साइन एक्स में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का, तो 1 होता है। अब देखिए 1 - 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कितना है हम लोग का, ये आया है तो एम स्क्वायर माइनस 1/2 और इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/2, क्या कर देंगे हम लोग इसका गुणा करा देंगे, यानी 1 - 3 नीचे का गुणा कराएंगे तो क्या होगा हम लोग का 2×2 = 4 हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1/2, दोनों सेम घात है, दोनों सेम हम लोग का ऊपर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग कितना 7वां, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2, इतना ध्यान दीजिएगा कि 1, 2 माने समीकरण नंबर हम लोग 1 और मानेंगे और 1, 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और 2 का स्क्वायर करके हम लोग घटा रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, तो 1 का मान क्या करें एम है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मान कितना एन है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, इसको आगे लिख रहे हैं राइट हैंड साइड और का पीछे लिख रहे हैं, और इधर हम लोग इसका स्क्वायर करके इधर लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, 2 cos A cos क्या हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का sin² A sin² B 2 sin A इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का sin B हो जाएगा, इतना हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग कि यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये तो लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 कामन कर लेंगे, यानी कॉस ए इंटू कितना हम लोग का कॉस बी प्लस कितना हम लोग का साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब देखिए कितना हम लोग का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 + 2 और ये कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास कितना हम लोग का कास ए माइनस बी का ये सूत्र है, तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 को स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर घटाए थे, अब समीकरण 1 का स्क्वायर करके क्या करेंगे हम लोग, ये बल्कि घटाए ना ये बल्कि जोड़े हैं, तो 1 का स्क्वायर करके क्या करें क्या किए हैं कि 2 का स्क्वायर करके हम लोग जोड़े हैं, तब ये इतना वैल्यू हम लोग का आया है। अब क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कितना हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा यह इक्वेशन हम लोग का ये कर रहे हैं, ये भी हम लोग का इक्वेशन था। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हम लोग का यम का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करके घटा रहे थे, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा हम लोग का कि घटा रहे हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 1 का मान कितना इधर का तो कास ए प्लस कास बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस कितना हम लोग का कास स्क्वायर बी माइनस प्लस होगा ना, प्लस में हम लोग का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 cos A cos B और माइनस कर रहे हैं, समीकरण 2 को
स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं, यानी यन का तो स्क्वायर हम लोग करके करके इधर माइनस कर दिए हैं, इसको स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर बी, और माइनस क्या होगा टू साइन ए इंटू साइन बी, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको इसको एक लग लिखेंगे यानी काशी स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इसको काशी स्क्वायर बी, इसको एक लग लिखेंगे काशी स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको एक जगह लिख देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा हम लोग काम कि दो कामन कर लेंगे प्लस दो कामन करेंगे तो क्या होगा काश ए इंटू काश बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यम स्क्वायर माइनस कितना हम लोग का यन स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है काश टू ए का, ये भी किसका फार्मूला होता है हम लोग का काश टू बी का फार्मूला हो जाएगा उसी तरह, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का टू काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, काश ए प्लस बी का सूत्र है, काश ए प्लस बी हम लोग लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि काश सी प्लस काश डी का फार्मूला क्या होता है, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर काश सी प्लस काश डी का टू काश सी प्लस डी बाई टू होता है, यानी ए प्लस बी हो जाएगा हम लोग का, और कितना होगा हम लोग का काश ए माइनस बी बाई टू सी माइनस डी बाई टू होता है, टू ए माइनस टू बी दो कामन करेंगे और नीचे दो होता है हम लोग का तो कट जाएगा यानी ए माइनस बी हो जाएगा, और प्लस कितना हम लोग का टू काश ए प्लस बी, ये ध्यान दीजिएगा कि इसको काश सी प्लस काश डी के नियम पर हम लोग क्या किए हैं कि तोड़े हैं, टू काश ए प्लस बी टू काश ए प्लस बी कामन कर लेंगे हम लोग, कितना बचेगा हम लोग का कि टू का से प्लस केवल का से प्लस बी का हम लोग कामन करेंगे क्योंकि हम लोग का पीछे वाला फंक्शन ये लियाना भी है, तो यहाँ से कामन कर रहे हैं हम लोग का से प्लस बी का से प्लस बी दोनों फंक्शन में से कामन कर लेंगे। कितना होगा हम लोग का कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, यहाँ से का से प्लस बी कामन करेंगे तो टू का से प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, टू काश ए माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस टू, इसमें से कामन कर लिए हैं क्या हम लोग काश ए प्लस बी कामन कर लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग केवल दो बचेगा, दो भी कामन हो रहा है लेकिन दो कामन नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा कि केवल काश ए प्लस बी हम लोग कामन कर रहे हैं, ये कामन हम लोग करके बाहर लिखे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का तो टू प्लस टू काश ए माइनस बी, टू प्लस टू काश ए माइनस बी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू कितना हम लोग का यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर है, तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर इसका मान कितना है यम स्क्वायर प्लस कितना है यन स्क्वायर है, और इनटू में कितना हम लोग काश ए माइनस ए प्लस बी है, ये हम लोग हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर बटे में यम स्क्वायर प्लस कितना हम लोग का यन स्क्वायर काश ए प्लस बी का, ये क्या हम लोग का मान निकल गया काश ए प्लस बी का मान निकल गया, साइन ए प्लस बी का मान निकालना है, तो देखिए क्या होता हम लोग का कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस बी बराबर क्या होगा हम लोग का कि वन माइनस काश स्क्वायर ए प्लस बी होगा। देखिए वन माइनस काश ए प्लस बी का मान कितना है, इतना है यानी यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर बटे में यम स्क्वायर प्लस कितना हम लोग का यन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा हम लोग का तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हम लोग का यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर कर देंगे नीचे का स्क्वायर, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और नीचे का क्या होगा हम लोग का कि एक स्क्वायर लिखाएगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि ऊपर का स्क्वायर करके इसमें तिरिय गुणा कराए हैं और ये हम लोग लिखे हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए कोष्ठ में ए प्लस बी, ए कोष्ठ में ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा माइनस एन स्क्वायर से माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यम स्क्वायर जुटेगा टू यम स्क्वायर होगा, ए कोष्ठ में क्या होता है ए माइनस बी होता है, माइनस करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, यम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा एन स्क्वायर जुटेगा टू एन स्क्वायर होगा, नीचे कितना हम लोग का यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो दुना कितना हो जाएगा हम लोग का चार हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा चार यम स्क्वायर इंटू यन स्क्वायर नीचे यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का क्या होगा हम लोग का होल स्क्वायर। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का कि साइन ए प्लस बी
इक्वल टू 4 का वर्गमूल, अगर ये स्क्वायर है तो इधर ले आएंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 यम स्क्वायर का यम निकलेगा, यन निकलेगा, नीचे का ये होल स्क्वायर है तो ये केवल ये निकलेगा, यम स्क्वायर प्लस कितना हम लोग का यन स्क्वायर, ये क्या हो गया हम लोग का कि साइन का वैल्यू हो गया, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से पेयर बनाकर क्या कर लेंगे हम लोग, कामन कर लेंगे, इसमें से कामन क्या हो रहा है, 2 का थीटा कामन हो रहा है हम लोग का, क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बचेगा, यहाँ से क्या कामन हो रहा है हम लोग का, माइनस करोड़ में 3 कामन हो रहा है, यानी क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि दो दो का पेयर बना के क्या कर लिए हम लोग प्रश्न नंबर 8वां के लिए कि कामन कर लिए हैं। अब देखिए सेम फंक्शन मिलता है तो वो भी कामन हो जाता है, यानी 2 साइन थीटा माइनस 1 कामन हो जाएगा, ये बचेगा एक कोष्ट में 2 कास थीटा माइनस करणी में 3 इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा हम लोग का कि एक फंक्शन को 0 दिखाएंगे, यानी 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का 1/2 मिलेगा, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग कि इसको भी लिख देंगे, यानी इधर 0 को दिखा के, यानी 2 कास थीटा माइनस करणी में 3 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो कास थीटा इक्वल टू क्या नहीं मिलेगा हम लोग का, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस करने में 3 मिलेगा और नीचे 2। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि साइन थीटा, और ये कितने का मान होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। एक क्या होता है हम लोग का कि दो दो कंडीशन मिलेगा इसमें, साइन 180 माइनस 30 अंश का मान कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 150 का मान भी क्या होता है हम लोग का कि 1/2 ही होता है। ध्यान दीजिएगा कि साइन 150 का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है, और इसमें ये तो दो वैल्यू हम लोग का निकल गया, इसमें दो वैल्यू हम लोग का निकालना है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कास थीटा, कास कितने का मान करने में 3/2 होता है, कास 30 अंश का मान हम लोग क्या होता है, 30 नहीं 60 अंश का मान, बल्कि 30 अंश का मान होता है हम लोग का, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो कास ये तो एक वैल्यू हो गया हम लोग का कास थीटा इक्वल टू, दूसरा कंडीशन क्या होगा हम लोग का कि कास 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कासे थीटा होता है, कास 360 डिग्री माइनस थीटा कासे थीटा होता है, यानी 360 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, तो 330 आएगा। अब क्या करेंगे कि इन चारों को रेडियन में बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का थीटा का मान क्या होगा हम लोग का कि इसको रेडियन बदलेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 6 होगा, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि पाई बटा 180 से गुणा करा दे, यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी 5π/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 30 अंश का, तो हम लोग का सेम ही आएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो पाई बाई क्या करेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई बाई 6 एक बार हम लोग लिख दिए हैं, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, वही उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 6। अब देखिए कितना हम लोग का 330 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बटा कितना हम लोग का 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 × 3, 3 × 3, और 3 × 6 कितना हम लोग का 18, 11 पाई बाई कितना हम लोग का 6। अब देखिए पाई बाई 6 दो बार आया है तो एक बार हम लोग लिखते हैं, यानी पाई बाई 6 कितना हम लोग का 5π/6, और ये कितना हम लोग का 11π/6, ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 हम लोग का कि इसमें तो खुद ही इंटू में करके दे दिया है, 0 का हल है और इसका अंतराल दे दिया हम लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को हल करते हैं, 2 cos x − 1 = 0, इसको 0 दिखाएंगे तो cos x इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का, माइनस 1 है तो प्लस 1/2 मिलेगा हम लोग का, ये 1 आएगा तो 1 हो जाएगा प्लस 1, ये 2 आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसको 0 दिखा देते हैं कितना मिलेगा, 3 cos x + 4 = 0, 3 cos x = क्या मिलेगा हम लोग का, प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4, कास एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, −4/3। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कास में किसी भी डिग्री का मान −4/3 नहीं होता है, तो ये लिख देंगे क्या हम लोग अमान्य लिख देंगे, माने इसका मान्य नहीं है, अमान्य मतलब क्या कि इसका वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगा हम लोग का, ये है कहने का मतलब। अब देखिए इसका तो वैल्यू हम लोग ज्ञात होता है, यानी कास एक्स इक्वल टू कितना हम लोग का, कास कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कास 60 अंश का मान होता है। अब देखिए कास 60 अंश का मान होता है,
और एक एक क्या होता है हम लोग का, तो दो वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव होता है एकास का, किसमें होता है हम लोग का चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी एकास यक्स बराबर क्या लिखे, एकास 360 डिग्री माइनस 60 बराबर क्या होता है कासे थीटा होता है, यानी का 60 अंश होता है, और का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसमें क्या होगा हम लोग का कि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, कास 300 डिग्री आएगा, और दोनों को क्या करेंगे कि रेडियन में बदल देंगे, यानी थीटा यक्स का मान क्या आएगा, थीटा की जगह पर यक्स से तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हम लोग का, एक 60 अंश को रेडियन बदल देंगे तो पाई बाई 3 होगा, इसको रेडियन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का पाई बटा 180, यानी 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 3 दाम में 30, 3 6 18, यानी 10 पाई बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या करे कि अच्छे से पढ़े, बेहतरीन ढंग से पढ़े। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत आती है तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करके आप उसका हल पा सकते हैं बेहिचक। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, आपको यही निर्देश किया जाएगा कि आप अच्छे से पढ़िए, क्रैक कीजिए कोई भी एग्ज़ाम IIT JEE तेज पढ़कर, ये नहीं कि इसी चैनल पर से पढ़कर केवल आपको ज्ञान अर्जित करना, नहीं, आपको किसी भी चैनल पर से ज्ञान अर्जित करके पूरा आपको किसी भी पूरा तैयारी आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे बोर्ड के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेहिचक, और कह देंगे आपकी व्हाट्सएप के जरिए सर जी इसको बता दीजिए, तो मैं उसको भी व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा, जिस सवाल में आपको कोई दिक्कत हो रही है, जिस सवाल में आपको दिक्कत हो रही है उसको मैं तुरंत आप व्हाट्सएप के जरिए या इसी तरह कमेंट के जरिए मैं बता दूंगा उसको। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग का 10वां, तो ये वैल्यू दिया है, क्या करेंगे इसको हम लोग हल करेंगे, तो कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, डिवाइंडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये वांतर अनुपात का नियम कहते हैं, कंपोनेंडो रूल लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये रूल क्या होता है हम लोग का कि अगर मान लीजिए यम बाई यन है, तो यम हम लोग का तो ये है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यम यन मान जाते, यम बटा यन है, तो ये वांतर अनुपात का नियम क्या होता है कि अंश में हर को जोड़ते हैं और नीचे क्या होता है हम लोग का कि हर में से अंश को घटाते हैं, यही क्या होता है हम लोग का कि युगांतर अनुपात का नियम होता है। सेम इसी नियम पर कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो चलिए हल कर रहे हैं हम लोग, देखिए कितना हम लोग का है, तो युगांतर अनुपात अंश में हर को जोड़ेंगे, यानी साइन ए प्लस बी, और कितना हम लोग का कास ए माइनस बी। अब देखिए नीचे क्या होगा हम लोग का कि हर में से अंश को घटाते हैं, यानी हर क्या है कास ए माइनस बी है, और ऊपर वाला घटाते हैं साइन कितना हम लोग का ए प्लस बी, तो दोनों पक्ष और सेम उसी तरह करेंगे हम लोग, वन माइनस यम ऊपर है, अंश में हर को जोड़ते हैं, हर क्या है वन प्लस यम है, नीचे हर वन प्लस यम है और अंश घटाते हैं, तो घटाएंगे माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस वन हो जाएगा, प्लस यम हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग माइनस अंश करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस यम हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि साइन है तो कास में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा होता है, 90 माइनस 90 को क्या कहते हैं पाई बाई 2 कहते हैं, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ए प्लस बी है, ये हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कास में हम लोग क्या कर दिए कि बदल दिए, इसको भी कास में बदल देंगे साइन को, तो कास ए माइनस कितना हम लोग का बी, माइनस कास कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। ये ध्यान दीजिएगा कि इसको भी हम लोग बदल दिए, यहाँ से क्या होगा हम लोग का कि माइनस एम से प्लस एम कट जाएगा, वन वन जुटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन कट जाए, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, एम एम जुटेगा कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का ऊपर का, तो माइनस से गुणा कर देंगे, कास पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कास कितना हम लोग का, तो पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का दोनों फंक्शन माइनस में हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा देंगे 1 बाई कितना हो जाएगा हम लोग का यम हो जाएगा।
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको हल कर लीजिए। कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, तो कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है हम लोग का टू कास सी प्लस डी बाई टू होता है, और क्या होता है हम लोग का कि कास सी माइनस डी बाई टू होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको कास सी प्लस कास डी पर फार्मूला पर आप रख कर हल करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का कि पाई बाई फोर माइनस बी, और क्या आएगा कास पाई बाई फोर माइनस ए आएगा। ये आगे पीछे आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। तो कास सी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होता है, टू कास सी प्लस डी बाई टू होता है इंटू कास क्या होता है सी माइनस डी बाई टू होता है। अब देखिए कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, नीचे का टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी पाई बाई फोर माइनस कितना हम लोग का ए हो जाएगा, और कितना हम लोग का साइन डी माइनस सी बाई टू होता है यानी पाई बाई फोर माइनस कितना हम लोग का बी। इसको कास सी माइनस कास डी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, यही आएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको करिएगा क्योंकि इसको बताएंगे तो लंबा पीरियड हो जाएगा यानी अधिक समय लग जाएगा, वन बाई हम लोग वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए दो से दो भी क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग अब कि इसको हल कर रहे हैं, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। मान जाइए हम लोग इसको कास को नीचे ले आए या इसी को बदल दे हम लोग कास पाई बाई फोर माइनस ए, कास साइन पाई बाई फोर माइनस ए, कास पाई बाई फोर माइनस ए, कास थीटा बटे में साइन थीटा, किसका फार्मूला आता है काट थीटा का, काट पाई बाई फोर माइनस ए इंटू, इसको इसमें लिख देंगे यानी काट पाई बाई फोर माइनस बी इक्वल टू कितना हम लोग का वन बाई एम। देखिए इसको फिर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का टेन हो जाएगा यानी टेन पाई बाई फोर माइनस ए इंटू टेन कितना हम लोग का पाई बाई फोर माइनस बी इक्वल टू कितना हम लोग का वन बाई एम। इसका तिरियागुणा करा देंगे यम इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का टेन पाई बाई फोर माइनस ए, टेन कितना हम लोग का पाई बाई फोर माइनस बी, इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था तो कितना वैल्यू निकला हम लोग का यम, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कितना हम लोग का कि प्रश्न नंबर ग्यारह, फोर साइन इस पावर फोर एक्स प्लस कास पावर फोर एक्स इक्वल टू वन का एक व्यापक मान है। व्यापक हम लोग क्या करना है कि व्यापक समीकरण निकालना है। इसका क्या करेंगे कि फोर साइन पावर फोर एक्स है, इसको कास को क्या करेंगे साइन में बदलेंगे, यानी पहले तो क्या करेंगे हम लोग कि कास ही लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स इक्वल टू कितना हम लोग का वन, इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या करेंगे कि फोर साइन स्क्वायर पावर फोर एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दो दुना के चार घात हम लोग आ जाएगा, या इसी को एक लाइन हम लोग लिख दिए आए पर, मतलब एक लाइन हम लोग का फालतू हो गया यानी समय बर्बाद हुआ है। अब देखिए कास का क्या होता है हम लोग का साइन में मान, तो साइन में मान क्या होता है हम लोग का तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और इसका क्या हम लोग का होल स्क्वायर है इक्वल टू वन। ए माइनस बी के फार्मूले पर क्या करेंगे हम लोग तोड़ देंगे, ए का स्क्वायर एक होता है, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर पावर फोर एक्स हो जाएगा, और माइनस टू ए बी टू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए कितना हो जाएगा साइन पर पावर फोर एक्स, ये जुटेगा तो फाइव साइन पर पावर कितना हम लोग का फोर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर कितना हम लोग का एक्स, वन से वन हम लोग का कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या होगा हम लोग का कि साइन स्क्वायर एक्स कामन कर लेंगे, दोनों पक्षों में कामन है, फाइव साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना हम लोग का साइन स्क्वायर, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा यानी दो बचेगा इक्वल टू जीरो। इसको जीरो दिखाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो रहता है, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता हम लोग का, थीटा का व्यापक मान क्या होता हम लोग स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो जीरो का स्क्वायर लिख सकते हैं या तो साइन एक्स बराबर हम लोग जीरो लिख सकते हैं क्योंकि जीरो का वर्गमूल भी क्या होता है हम लोग का जीरो होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है हम लोग का थीटा की जगह पर एक्स है, थीटा का व्यापक मान क्या होता है हम लोग का एन पाई होता है। ये हम लोग का क्या हो गया सूत्र उत्तर हो गया। इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा हम लोग का हल करेंगे तो अमान्य निकलेगा, लेकिन क्या होगा कि हम लोग इसका भी उत्तर निकाल रहे हैं। देखिए फाइव साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का कि माइनस दो है, इधर आएगा प्लस दो, और ये इंटू में तब बटे में दो हो जाएगा। अब देखिए इतना निकल गया, क्या करेंगे हम लोग कि
साइन स्क्वायर यक्स यक्स इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग का 2/5, इसको क्या मान जाएंगे हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा मान जाएंगे। अब देखिए लेट कर लिए यहाँ कि साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इतना हम लोग का इसको साइन स्क्वायर अल्फा मान गए। थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है हम लोग का यन पाई प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का अल्फा होता है, यानी थीटा की जगह पर हम लोग क्या है यक्स है, तो यक्स की दिशा में हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे अल्फा, जहाँ अल्फा बराबर लिख देंगे क्या हम लोग कि जहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे 2/5, ये हम लोग का क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया। या तो इसको आप लोग नहीं लगाएंगे तो भी हम लोग का ये सही आंसर हम लोग का ये। अब देखिए सवाल नंबर 12 हम लोग का, तो क्या करेंगे इसको हम लोग हल करेंगे तो दोनों पक्ष को क्या कर देंगे आन स्क्वायर बोर्ड साइड लिख देंगे हम, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 7 + कितना आएगा हम लोग का 4 करणी में 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कास का तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 1 ये प्लस कितना हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ये आएगा। अब देखिए क्या करेंगे कास को भी हम लोग साइन में बदल देंगे, यानी 7 + कितना हम लोग का 4 करने में 3, 1 - कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये कितना हम लोग का 1 + साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हम लोग का 2 साइन थीटा, इतना हम लोग लिख दिए। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि सबको साइन में बदल दिए हैं, सबको गुणा करा कर क्या कर लेंगे हम लोग एक तरफ कर लेंगे, 7 + 4 √3 का इसमें गुणा कराएंगे 1 में तो वही होगा 7 + 4 √3, इसका इसमें गुणा कराएंगे साइन में तो क्या होगा हम लोग का 7 + 4 √3 और ये कितना हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से और आगे हम लोग हल करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 7 + 4 √3 माइनस से इधर से गुणा करेंगे और साइन से इधर से 7 sin² कितना हम लोग का थीटा और ये कितना हम लोग का तो माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 4√3 साइन स्क्वायर कितना हम लोग का थीटा और ये सबको इधर लेते आएंगे तो -1 - साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए सबको एक तरफ कर लिए हैं कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा -- क्या हो जाएगा हम लोग का जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा 7 और ये 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 8 और इसको क्या कर देंगे कि -1 है 7 में से घटेगा कितना हो जाएगा 6 + 3 और ये 7 में 1 जुटेगा तो कितना होगा हम लोग का 8 होगा 8 साइन स्क्वायर कितना हम लोग का थीटा -4√3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना हम लोग का ये भी हम लोग का इसमें हल हो चुका है 2 साइन थीटा बच रहा है 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं हम लोग का यहाँ तक भी। देखिए सम में 2 है हम लोग का 2 कामन करके उधर 0 में कर देंगे यानी 2 + 2√3 यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का कि 8 है तो 4 हो जाएगा 4 sin² 2√3 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा हम लोग केवल साइन थीटा इक्वल टू 0 इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा कामन है तो साइन स्क्वायर थीटा कामन कर लेंगे, माइनस में वो भी है तो माइनस में कामन कर लेंगे यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कामन कर लिए क्या बचेगा हम लोग का 4√3 बचेगा। अब देखिए प्लस साइन थीटा है साइन थीटा वैसे ही लिख देंगे इसको लास्ट में लिख देंगे 2√ कितना हम लोग का 2√3 इक्वल टू 0, माइनस से क्या कर देंगे सब में गुणा करा देंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4√3 और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का कि माइनस में हो जाएगा 2√ कितना हम लोग का 2√3 इक्वल टू 0, इसको कोष्ट में करके माइनस में किए कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। अब देखिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम लोग का गुणनखंड करना है यानी गुणनखंड क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 4√3 इसका गुणनखंड ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है हम लोग का -4√3 और कितना हम लोग का साइन थीटा और +3√3 ये कितना हम लोग का साइन थीटा और ये वैसा ही लिख देंगे 2√ कितना हम लोग का 2√3
और इक्वल टू कितना हम लोग का 0, ये माइनस आगे है यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग क्या हो गया, देखिए माइनस से गुणा कराएंगे माइनस 4 होगा और ये 3, माइनस 4 में से 3 घटेगा माइनस 1 होगा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस से गुणा करेंगे इसमें माइनस 2 करणी में 3 साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस कितना हम लोग का 2 करणी में 3 साइन थीटा कट जाएगा हम लोग का, फिर वही आ जाएगा इसका फैक्टर हो गया। इसमें से देखिए इसका 2 2 का पेयर बना देते हैं फैक्टर हो जाने के बाद, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है हम लोग का 4 धन 2 करणी में 3 कॉमन हो रहा है। यहाँ क्या बच रहा है साइन थीटा भी कॉमन हो रहा है, साइन थीटा भी कॉमन कर लेंगे हम लोग, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का 1, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है हम लोग का कि यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि 2 कॉमन किए थे तो 3 6 में से 2 कॉमन करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 3 थोड़ा सा बनाएंगे मिस्टेक लिखा गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो 3 प्लस 2 करणी में 3 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 करणी में 3, तो कॉमन कर रहे थे यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 1 बचेगा, ये इक्वल टू कितना हम लोग का 0। ये ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग का कॉमन करने की बात बच रहा है, ये दोनों फंक्शनों में से साइन थीटा माइनस 1 कॉमन कर लेंगे इक्वल टू 0 दिखा देंगे और इसको 0 दिखाएंगे तो क्या होगा हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा, यानी साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का 0। अगर साइन थीटा माइनस 1 को 0 दिखा रहे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा हम लोग का 1 मिलेगा, साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा हम लोग का साइन कितने अंश का मान 1 होता है यानी साइन 90 अंश का, यानी साइन कितना हो जाएगा पाई बाई 2 का, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा होता है, पाई बाई कितना होता है हम लोग का 2, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर आपके किताब में नहीं दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा क्योंकि माइनस 1 पावर एन है और उसमें माइनस 1 पावर एन किसी में भी फंक्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे एन बराबर मानेंगे हम लोग विषम संख्या, एन बराबर क्या मान जाएंगे हम लोग 2n मान जा रहे हैं। चलिए ये ध्यान दीजिए कि एन बराबर 2n ही मान रहे हैं हम लोग, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सम संख्या हम लोग मान रहे हैं, तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 2n रखेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2n पाई हो जाएगा, n की जगह पर 2n रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 2n, और ये सम संख्या रख रहे हैं मान जाइए 2 है तो 2 माइनस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का पाई बाई 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर कितना हम लोग का 13, क्या करेंगे कि इसको साइन का इसमें बदल देंगे, यानी साइन कितना हम लोग का थीटा माइनस 15 डिग्री और कास कितना हम लोग का थीटा माइनस 15 डिग्री, ये कितना हम लोग का है ये साइन में बदल दिए, इसको भी साइन का इसमें बदल देंगे साइन थीटा प्लस 15 डिग्री और ये कितना हम लोग का कास थीटा प्लस कितना हम लोग का 15 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग त्रिज्य गुणा करा देंगे इसका इसमें और इसका इसमें, 3 साइन कितना हम लोग का थीटा माइनस 15 डिग्री और इंटू कास कितना हम लोग का थीटा प्लस 15 डिग्री। अब देखिए इसका इसमें गुणा करा देंगे साइन थीटा प्लस कितना हम लोग का 15 डिग्री और कितना हम लोग का कास थीटा माइनस 15 डिग्री। अब देखिए प्लस वाले को आगे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं हम लोग का 3, ये कितना हो जाएगा 2 कास, प्लस वाले को आगे लिख रहे हैं थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस 15 डिग्री। अब देखिए इधर भी क्या कर देंगे हम लोग कि ये तो प्लस वाला आगे फंक्शन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुणा कर देंगे 2 से भाग, यहाँ 2 से भाग नहीं किए हैं 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग, यहाँ भी कर देंगे 2 साइन कितना हम लोग का थीटा प्लस 15 डिग्री और कास कितना हम लोग का थीटा माइनस 15 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू हो गया हम लोग का, अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 कास ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 कास ए साइन बी का फार्मूला हम लोग का, तो देखिए 2 कास ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है और माइनस साइन क्या होता है हम लोग का ए माइनस बी होता है, यानी साइन 30 अंश हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा हम लोग का यही आएगा इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा हम लोग का तो 2 साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है हम लोग का तो साइन ए प्लस बी होता है यानी साइन 2 थीटा और प्लस साइन ए माइनस बी होता है, यानी कितना हो जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा हम लोग का कट जाएगा, यानी ये भी कट जाएगा हम लोग का, अब कितना हो जाएगा हम लोग का 3 साइन कितना हम लोग का 2 थीटा 3 साइन कितना हम लोग का 30 अंश इक्वल टू, ये वैसा ही 1 से गुणा करेंगे वही होगा साइन 2 थीटा साइन कितना हम लोग का 30 डिग्री। देखिए डिग्री वाला एक तरफ कर देंगे थीटा वाला पद एक तरफ कर देंगे यानी 3 साइन 2 थीटा
माइनस साइन कितना हम लोग का 2 थीटा, और इसको इधर कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का साइन 30 अंश, और प्लस कितना हम लोग का 3 sin 30 अंश कितना होगा, ये घटेगा तो साइन 2 थीटा बचेगा, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का साइन 3 और एक जुटेगा कितना हो जाएगा 4 sin कितना हम लोग का 30 अंश, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 4 sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग का 2 से कटा देंगे 2 मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। अब क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 2, तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 आ गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम स्प्रिंट किए हैं, फिर हम लोग गलती किए हैं, स्प्रिंट नहीं बल्कि गलती किए हैं, 3 sin 2 थीटा में से साइन 2 थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 sin 2 थीटा बचेगा, 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग का 1 मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, साइन कितने अंश का मान 1 होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का 1 होता है, कितना हो जाएगा हम लोग का तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा का व्यापक मान क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 को पावर n इंटू अल्फा होता है, अल्फा की जगह पर कितना हम लोग का पाई बाई 2 है, थीटा की जगह पर कितना था हम लोग का 2 थीटा था, थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 का भाग, यानी n पाई बटे में 2 प्लस माइनस 1 को पावर n पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 14, इसमें क्या करना है हम लोग का कि इसका हल निकालना है, थीटा का मान किसके किसके बीच रहना चाहिए, 0 और π/4 के बीच में रहना चाहिए थीटा का मान। देखिए क्या करेंगे, सवाल लिख लिए हैं, 4 का क्या कर देंगे त्रियगुणा, 4 का इधर त्रियगुणा करेंगे तो 4 cos θ cos 2θ cos 3θ इक्वल टू 1, क्या कर देंगे cos 2θ को बाहर ले लेंगे और 4 को 2 2 के इंटू के फार्म में लिख देंगे 2 cos 3θ, और थीटा को 3θ और थीटा को एक साथ हम लोग ले लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A + B + cos A - B, 3θ में थीटा जोड़ेंगे 4θ और 3θ में से थीटा घटाएंगे 2θ, 2 cos 2θ से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, 2 cos 4θ को आगे लिख देंगे इसको पीछे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो सेम से मिल जा रहा है 2 cos²θ हो जाएगा इक्वल टू 1, 1 को क्या कर देंगे हम लोग इधर कर देंगे इक्वल टू 0 होगा, बाकी सब वैसे ही उतार दिए हैं। देखिए 2 cos²θ - 1 ये किसके फार्मूला पर हम लोग का सेट कर रहा है, तो cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos²θ 2 cos²a - 1 होता है, एक ही जगह पर 2θ है, ध्यान दीजिएगा 2θ का 2θ में गुणा करेंगे 4θ इक्वल टू 0, क्या कर देंगे cos 4θ कामन कर लेंगे, फिर इसको 2 cos A cos B पर नहीं तोड़ेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, cos 4θ कामन कर लेंगे, क्या बचेगा हम लोग का 2 cos 2θ + 1, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 0, cos 4θ इक्वल टू 0, अगर देखाएंगे तो 4θ बराबर क्या, अगर cos θ बराबर 0 रहता तो θ का व्यापक मान क्या होता है 2n + 1 π/2 होता है, थीटा की जगह पर 4θ है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 का गुणा है तो 4 का इधर क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा, नहीं 4 दुना कितना हो जाएगा हम लोग का 8, ये क्या हो गया हम लोग का पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर क्या होगा हम लोग का कि इसको 0 दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा cos 2θ बराबर -1/2 हो जाएगा, cos 2θ बराबर 1/2 किस कितने का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है, cos π/3 का। अब देखिए cos 180 - θ बराबर क्या होता है -cos θ होता है, इसका गुणा करा देंगे 3π - π/3, 3π में से पाई घटेगा 2π/3, cos 2π निकल गया हम लोग का cos θ इक्वल टू cos α, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है हम लोग का 2n π + -α होता है, कितना हो जाएगा हम लोग का कि 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे कट पीट हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 में भाग देंगे क्या हो जाएगा कट पीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आपको मिल रहा होगा उसे क्या कर लीजिएगा आप लोग सही मार लीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 हम लोगों का, ये सवाल है हम लोगों का, इसको यहाँ से हल किए हम लोग, देखिए क्या है sec θ को cos में बदल दिए 1/cos θ - 1, ये वैसा ही हम लोग का है 10θ को sin θ / cos θ। अब देखिए cos θ क्या किए, त्रिय गुणा कर दिए 1 में, यानी 1 - cos θ नीचे का cos θ लिखा गया, ये sin θ / cos θ, cos θ का cos θ से कट गया हम लोग का नीचे का सेम इंटू में तो कट गया, sin θ इधर आ जाएगा, ये वैसा ही लिखा गया है, 1 - cos θ का फार्मूला क्या होता है साइन में,
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, और साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू, ये वैसा ही लिख दिया हम लोग। माइनस से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस टू का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वैसे ही उतर गया हम लोग का, ये भी वैसा ही उतर गया। वन से वन ये कट जाएगा, क्या बचेगा ये ऊपर का, ये नीचे का वैसा ही ये लिखा गया। देखिए दो से दो साइन साइन ये कट जाएगा, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू नीचे बचेगा, ये वैसे ही लिख दे टेन थीटा बाई टू। ये कितने का मान होता है टेन में, तो ध्यान दीजिएगा टेन पाई बाई एट का वैल्यू होता है कितना, करणी में दो माइनस वन होता है। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा बराबर क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा होता है, थीटा की जगह थीटा बाई टू है, दो का तिरिय गुणा करा देंगे टू एन पाई, ये कितना हो जाएगा दो से आठ कट जाएगा पाई बाई फोर, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर कितना हम लोग का सोलह, कितना है कि यक्स का व्यापक मान निकालना है, क्या करना है हम लोग का यक्स का व्यापक मान निकालना है। साइन थ्री अल्फा इसको आगे लिख देंगे इसको पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, फोर साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए फोर साइन अल्फा ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला है, इस पर हम लोग रख दिए हैं। अब देखिए ये थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा, साइन थ्री ए का फार्मूला क्या होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ये वैसे ही हम लोग रख दिए फार्मूला पर। अब देखिए इसमें से साइन अल्फा कामन कर लेंगे, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैसे ही उतार दिए, ये भी वैसे ही उतार दिए। देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग कट जाएगा, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर अल्फा, फोर साइन इसका क्या कर देंगे हम लोग कि गुणा करा देंगे, फोर साइन अल्फा का इसमें गुणा कराएंगे कितना होगा हम लोगों का, तो ये ध्यान दीजिएगा कि साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कट गया है, फोर से गुणा कराएंगे फोर साइन स्क्वायर अल्फा, फोर से इसमें गुणा कराएंगे फोर साइन स्क्वायर अल्फा, ये एक्स है अल्फा नहीं है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का अल्फा वाला फंक्शन एक तरफ करेंगे, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का कि फोर साइन स्क्वायर अल्फा, फोर साइन स्क्वायर अल्फा सेम सेम मिल रहा है हम लोग का, ये भी क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, फोर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बचेगा तीन। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि या करके इसको आगे लिख देंगे इसको पीछे, ये कि इसको क्या करें करणी में थ्री बाई टू का होली स्क्वायर लिख सकते हैं, करेंगे तो तीन, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का चार, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कि ये कितने का मान है साइन में, तो साइन साठ अंश का मान है यानी पाई बाई थ्री का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, थीटा की जगह पर एक्स है, एन पाई प्लस माइनस कितना हम लोगों का अल्फा, पाई बाई कितना हो जाएगा थ्री, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर सत्रह हम लोगों का, साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा बराबर दो दिया है, कह रहा है कि हॉलों की संख्या है, देखिए दो लिख दिया आन स्क्वायर बोर्ड साइड दोनों पक्षों का क्या कर दिया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दो का करेंगे चार। देखिए इसका मान कितना होता है हम लोग का एक होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू चार, एक को इधर करेंगे चार माइनस एक हो जाएगा तीन हो जाएगा साइन टू थीटा बराबर तीन, ये क्या होता है कि साइन में किसी का भी मान नहीं होता है, तो हॉलों की संख्या क्या लिख देंगे हम लोग जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का कि जीरो आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर अठारह हम लोगों का, देखिए क्या करेंगे कि साइन थीटा और साइन थ्री थीटा को एक जगह लिख लेंगे, कॉस थीटा और कॉस थ्री थीटा को क्या करेंगे एक जगह लिख लेंगे, और ये माइनस थ्री साइन टू थीटा एक जगह लिखे हैं लास्ट में लिख दिए माइनस थ्री कॉस थीटा क्या कर देंगे लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, साइंस इसको आगे लिखेंगे या थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है इसको आगे लिख देंगे इसको पीछे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है, और साइन इंटू कास क्या होता है सी माइनस डी बाई टू होता है, थ्री थीटा में से थीटा कटाएंगे टू थीटा बचेगा, टू थीटा में दो से भाग देंगे थीटा बचेगा, ये वैसे ही उतार दिए, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा देंगे माइनस थ्री कास टू थीटा, यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का कि साइन टू थीटा कामन हो रहा है, क्या बचेगा टू कास थीटा, यहाँ बचेगा थ्री, इसमें कामन क्या हो रहा है हम लोग का कास टू थीटा कामन हो रहा है, क्या बचेगा टू कास थीटा माइनस थ्री बचेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि सबको क्या करेंगे एक तरफ हम लोग लिया लेंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कामन हो रहा है हम लोग का कामन कर लेंगे साइन टू थीटा, यहाँ क्या बचेगा कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, इसको जीरो दिखाएंगे जीरो तो क्या होगा हम लोग का कि अमान्य मान होगा यानी उसका वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगा, तो इसको जीरो दिखा देंगे इक्वल टू जीरो, साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस है तो इधर आएगा तो कॉस टू थीटा, बाटा में लिया देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का वन बचेगा यानी साइन टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए कितना हो गया हम लोगों का कि
नीचे लिया देंगे साइन टू थीटा इक्वल टू बटे में कॉस थीटा इक्वल टू वन, कितना हो जाएगा हम लोगों का कि टेन टू थीटा इक्वल टू वन। टेन कितने का मान मान होता है, टेन पाई बाई फोर का। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, थीटा की जगह पर टू थीटा है, दो का इधर भाग कर देंगे कितना हो जाएगा पाई बाई एट हो जाएगा, ये तो एन पाई बाई टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 19 हम लोगों का कितना है, थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। देखिए थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, क्या कर देंगे हम लोग कि यहाँ पर कास से ऊपर गुणा कर देंगे, कास से नीचे, कास से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए कास से कास कर दीजिएगा फिर हम लोग को वही आ जाएगा, टू टेन थीटा इंटू कितना हो गया कास थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा कामन कर लेंगे, थ्री टेन थीटा यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा टू कास थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इसको अगर जीरो दिखा रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है एन पाई होता है, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगर इसको जीरो दिखा रहे हैं तो क्या होगा हम लोग का कि थीटा का व्यापक मान यानी थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी इस कंडीशन में हम लोग का थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 20 हुआ हम लोग कास थीटा कास थ्री थीटा कास फाइव थीटा कास सेवन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि सेवन थीटा और थीटा, सेवन थीटा और थीटा को एक जगह लिखे हैं, फाइव थीटा और थ्री थीटा को एक जगह, कासी प्लस कास डी का नियम लगा देंगे, कासी प्लस कास डी का नियम लगा देंगे इक्वल टू जीरो। देखिए ये टू कास फोर थीटा हो जाएगा, कासी प्लस कास डी का नियम क्या होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू, सेवन में थीटा जोड़ेंगे, सेवन थीटा में थीटा जोड़ेंगे एट थीटा होगा, एट थीटा में दो से भाग देंगे फोर थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा एट थीटा होगा, एट थीटा में दो से भाग देंगे फोर थीटा, और घटाएंगे तो कितना होगा टू थीटा में दो से भाग देंगे केवल, बस क्या बचेगा हम लोग का थीटा इक्वल टू जीरो। कास फोर थीटा क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, दो भी कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा कास थ्री थीटा, यहाँ क्या बचेगा कास थीटा इक्वल टू जीरो। क्या कर देंगे हम लोग कि देखिए कासी प्लस कास डी का फिर नियम लगा देंगे हम लोग का, तो फिर ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा, दो दुना कितना हो जाएगा चार कास थीटा कास टू थीटा कास थ्री थीटा, सबको जीरो दिखा कर क्या कर देंगे हम लोग का थीटा का व्यापक मान क्या होता है कास थीटा इक्वल टू जीरो होता है, तो थीटा का व्यापक मान होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है, तो इसको जीरो दिखाए हैं एक बार, इसको जीरो दिखाए हैं, इसको जीरो दिखाए हम लोग इधर, इसमें से किसी एक हम लोग का कोई भी एक आंसर होगा जो बहुविकल्पी में है, अगर बहुविकल्पी नहीं रहता तो ये हम लोग क्या होता है तीनों आंसर होता है। अब देखिए सवाल नंबर 21 हम लोग का त्रिभुज ए बी सी में थ्री ए बराबर बी प्लस सी है, तो काट बी बाई टू काट सी बाई टू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थ्री ए बराबर बी प्लस सी है, टू एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, क्या कर देंगे कि बी प्लस सी की जगह पर हम लोग रख देंगे थ्री ए। देखिए बी प्लस सी है, थ्री ए रख दिए, फोर ए हो जाएगा हम लोग का, दो का गुणा दो का भाग हो जाएगा, यानी एस बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग का टू ए मिल जाएगा। अब देखिए काट बी बाई टू काट सी बाई टू, काट बी बाई टू का फार्मूला ये होता है, काट सी बाई टू का फार्मूला ये होता है, इसमें क्या कर देंगे हम लोग कि अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करा देंगे, यस का यस में करेंगे एस स्क्वायर, यस माइनस बी यस माइनस सी, यस माइनस ए दो बार मिल रहा है स्क्वायर हो जाएगा, यस माइनस सी यस माइनस बी, इससे ये कट जाएगा एस माइनस सी सी एस माइनस सी कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर में से निकल जाएगा अंडर रूट में से निकल जाएगा, यानी यस बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा एस माइनस ए, यस का मान कितना हम लोग का, यस का मान निकला हम लोग का टू ए, यहाँ पर क्या रख देंगे एस की जगह पर टू ए, यस की जगह पर टू ए माइनस ए, क्या हो जाएगा टू ए अपन ए, ए से ए कट जाएगा हम लोग क्या केवल क्या बचेगा दो, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग का 22, देखिए सवाल नंबर 22 में क्या करेंगे कि इक्वेशन उतार लेंगे दोनों पक्षों का, क्या कर देंगे यानी स्क्वायर बोर्ड साइड लिख देंगे, यानी वर्क करने पर वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए कर अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, इसे मान जाएंगे क्या हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान जाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि काट ए इंटू काट बी इंटू काट सी इंटू काट ए बराबर वन होता है, ये हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं, ये कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया हम लोग का, तो ये हम लोग का सूत्र है, यानी सूत्रवे को लिख कर क्या मान गए हम लोग समीकरण नंबर दो मान गए हैं। समीकरण नंबर दो का मान क्या कर देंगे एक में रख देंगे, दो दो कामन करेंगे काटे काट बी काट बी काट सी काट सी काट ए मिल जाएगा हम लोग का, दो कामन करेंगे तो उसमें देखिए दो कामन किए हैं और उसी में हम लोग इसका मान रख दिए हैं, दो गुणते एक बराबर तीन, दुए का में दो इधर आएगा माइनस दो हो जाएगा, काट स्क्वायर ए काट स्क्वायर बी काट स्क्वायर सी प्लस में अगर ये इक्वल टू घटेगा तो कितना होगा एक, इसको क्या मान जाएंगे समीकरण नंबर तीन। देखिए समीकरण तीन व दो से समीकरण अब क्या कर देंगे तीन का मान दो में हम लोग रख देंगे। देखिए काट स्क्वायर ए काट स्क्वायर बी प्लस काट स्क्वायर सी इक्वल टू काट ए काट बी काट सी, ये क्या कर देंगे कि यहाँ भी वन है
और यहाँ भी 1 है, 1 की बराबर ये इतना है, इसको ले जाकर बस वहाँ पुट कर दिए हैं, ये वैसे ही हम लोग का लिखा गया है, और इसको क्या कर दिए कि बाद में लिख दिए हैं। देखिए 2 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, यानी क्या हो जाएगा 2 का t² है, 2 का t² ये सब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा हम लोग का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और क्या हो जाएगा हम लोग का टी स्क्वायर ए, और कितना हो जाएगा हम लोग का टी स्क्वायर बी, का टी स्क्वायर ए, का टी स्क्वायर बी, का टी स्क्वायर सी, का टी स्क्वायर सी इक्वल टू 2 काट ए काट बी काट, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सब वैसे ही लिखा गया। ये देखिए का टी स्क्वायर ए, का टी स्क्वायर ए, 2 का t² ए है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2 का t² ए आ जाएगा, सबको दो दो बार लिख दिए हैं। अब देखिए क्या कर देंगे हम लोग कि का टी स्क्वायर ए, का टी स्क्वायर बी एक जगह लिखेंगे, और 2 काट a काट b एक जगह, इसको 2 काट a काट b इधर करके लिखेंगे माइनस में, सेम इसी तरह सब फंक्शन किए, a² + b² - 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी क्या हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए काट a - b = 0 दिखाएंगे तो काट a इक्वल टू क्या मिलेगा, काट b मिलेगा, यहाँ भी इसको 0 दिखाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, काट b इक्वल टू काट c मिलेगा, इसको भी 0 दिखाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, काट c इक्वल टू काट a मिलेगा, यानी सभी कोण क्या आ रहा है हम लोग का बराबर आ रहा है, तो यानी त्रिभुज क्या हम लोग का है समान कोणीय है। अब देखिए त्रिभुज समान कोणीय इस दशा में हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या हम लोग का है कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब कोण भी समान रहेगा तो भुजा भी क्या होगा हम लोग का समान रहेगा, इस दशा में त्रिभुज क्या हम लोग का है समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 हम लोग का कितना है कि 23 में हम लोग का है 2 cos इतना है हम लोग का, दीजिए कह रहा है कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये लिख लेंगे, ये ए प्लस क्या कर देंगे कि पहले हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड कितना हम लोग का ए प्लस सी, और नीचे क्या हम लोग का ए, पहले राइट हैंड साइड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करेंगे, 2 cos a - c/2 है, 2 sin कितना हम लोग का a - c/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 sin a + c/2 इससे ये कट जाएगा, फिर हम लोग का वही आ जाएगा। देखिए 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है, sin a + b होता है और (sin a - b) होता है, ये आ जाएगा हम लोग का उस तरह, ये नीचे का वैसे ही लिख देंगे sin a + sin c वैसे ही उतार दिए, इसको वैसे ही उतार देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि a + b + c और -b लिखेंगे, यानी 180 - b 90 - b 2 से भाग देंगे तो 90 - b/2 sin 90 - b/2 को क्या लिख सकते हैं cos b/2 लिख सकते हैं। अब देखिए cos b का फार्मूला हम लोग का ये होता है, अब देखिए क्या करेंगे कि cos b का फार्मूला लिख दिए हैं, इसमें b की जगह पर हम लोग 60° रख कर देख रहे हैं, ये 60° कहेंगे कहाँ से आ गए ये, तो अपनी मन से हम लोग रख रहे हैं, यानी का 60° ये वैसा ही रख दिए 1/2 कितना हो जाएगा हम लोग का कि सभी फंक्शन वैसा ही लिख दिए, 2 का गुणा करा देंगे यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 2 से 2 कट जाएगा, ac हो जाएगा, और क्या कर दिए हम लोग कि -b² के इधर ले आए हैं, और a² + c² और ac को इधर कर दिए, -ac हो गया है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा a² + c² - ac हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड हम लोग से हल करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड को हम लोग ये लेट क्या करेंगे कि a + c/2 में क्या होगा हम लोग का b, ये अपनी मन से हम लोग माने हैं, a का मान कितना होता है k sin a, c का मान कितना होता है k sin c, b का मान कितना हम लोग का होता है k sin b, ऊपर से के कामन करेंगे और के से के हम लोग कटा देंगे, sin a + sin c नीचे sin b, देखिए sin a + sin c नीचे कितना हम लोग का sin b को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos b/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग लाइन, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहीं तक हल कर कर छोड़ दिए हैं, और राइट हैंड साइड क्या किए हैं कि लेट करके इतना हल करके हम लोग इतना लिए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हल करके हम लोग इतना ले आए हैं। अब देखिए दोनों को इक्वल दिखा दिए, इक्वल है तो हम लोग का अगर इसमें हम लोग b = 60° रखे, जहाँ भी b हम लोग का 60° रखेंगे तो क्या हो जाएगा sin 60° का मान करड़ी में 3/2 होता है, यहाँ भी cos b का मान 60° रखेंगे
तो कितना हो जाएगा हम लोगों का कि कास 30 अंश हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो साइन 60 और कास 30 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कट जाएगा हम लोग का, ऊपर का इक्वल आ जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है कि हम लोग का कि सभी फंक्शन क्या हो रहा है कि साइड ऑफ द फंक्शन क्या हो रहा है कि बी बराबर 60 अंश पर क्या हो रहा है कि बराबर हो रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए 24 भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना है, इतना है और इतना है, तो इसका सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ए बराबर मान जाएंगे इतना, बी बराबर मान जाएंगे, सी बराबर मान जाएंगे, सभी हम लोग फंक्शन, सबसे बड़ी भुजा ए है तो सबसे बड़ा कोण ए होगा हम लोग का। अगर जो भुजा बड़ी रहती है उसके सामने का कोण भी क्या होता है हम लोग का, बड़ा होता है। यानी का से बराबर फार्मूला लगा देंगे, ये हम लोग का फार्मूला होता है, बी का वैल्यू रख देंगे, सी का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का होली स्क्वायर कर दिए हैं, ए माइनस बी का होली स्क्वायर कर दिए हैं, और ये ए प्लस बी प्लस सी का होली स्क्वायर कर दिए हैं। नीचे क्या हम लोग का 2bc है, 2bc कर दिए हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। देखिए ऊपर का क्या करेंगे हम लोग कि एक्स पावर 4x² है, एक्स स्क्वायर है, ये इसको सभी को हल करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, -2 इतना आएगा हम लोग का, और माइनस ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का सेम नीचे वाला फंक्शन मिलने लगेगा। तो क्या कर देंगे, इसको कटा देंगे, क्या बोलेगा हम लोग का, -1/2 मिलेगा। कासे बराबर, कासे यहाँ छोड़ दिए हैं, -1/2 कितना होता है, कासे 120 अंश का मान -1/2 होता है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे 25वां हम लोग का, यदि 2cos(sin c)/sin b है तो त्रिभुज ABC है। देखिए हम लोग का 25वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए कास ए का फार्मूला क्या होता है, b² + c² - a² / 2bc। साइन सी का फार्मूला क्या होता है, c/k होता है। साइन बी बी का फार्मूला क्या होता है, b/k होता है। के से ये क्या होगा हम लोग का, के कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इक्वल है हम लोग का, बराबर बराबर की बात रहता है तो इंटू में रहता है तो कट जाता है। 2 से 2 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, b² + c² - a² bc बचेगा, और एक सी से ये सी कट जाएगा, बी का बी में करेंगे b² से b² कट जाएगा हम लोग का, c² - a² = 0। c² = क्या मिलेगा हम लोग का, बराबर करेंगे तो a² स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, सी बराबर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी त्रिभुज ABC क्या हम लोग का है, समद्विबाहु त्रिभुज। यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 26 हम लोग का, c = 90 अंश दिया है, a = 3 b = 4, बिंदु डी पर भुजा ए बी पर इस प्रकार है कि BCD = 30 अंश दिया था, सी डी की लंबाई है। देखिए साइन ए बराबर कितना हम लोग का हो जाएगा, 3/5, a = 3 दिया है, b = 4 दिया है, तो c = कितना होगा हम लोग का, c = कन्फर्म है कि 5 होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा हम लोग का, 5 होगा, क्योंकि ये कोण है, कोण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, कोण का स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, c = हम लोग का 5 निकलेगा, ये अपनी मन से हम लोग निकाले हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, sin θ = क्या होता है, लंब बटा कोण, ये इधर से देखेंगे तो लंब ये होगा और कोण ये होगा। sin b = क्या होगा हम लोग का, इधर से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये कोण होगा। sin b = क्या हो जाएगा हम लोग का, 4/5 हो जाएगा, यानी लंब बटा कोण त्रिभुज BCD में, BCD में BD/sin 30 अंश, CD/ कितना हम लोग का, साइन बी। देखिए BD/sin 30 अंश, BD/ ये कोण क्या होता है, ये भुजा क्या होता है कि इसके बटा में होता है साइन में, और CD = क्या होगा हम लोग का कि बी कोण बी के बटा में होगा, यानी BD BD = क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे इस द्वारा, CD का मान CD गुणते के ना sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, sin b का वैल्यू कितना हम लोग का, 3/5 है, sin b का वैल्यू 4/5 है, CD का मान CD * क्या कर देंगे, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा इसका इसमें, यानी 5 + 5 = 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, 8। अब क्या हो जाएगा हम लोग का त्रिभुज ACD से देखिए AD/AD कितना हो जाएगा हम लोग का, sin 60 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश है तो ये कितना होगा हम लोग का, 60 अंश होगा, क्योंकि 90 अंश का कोण सी क्या हम लोग का है, 90 अंश है, यानी 90 में से 30 घटाएंगे तो ये कन्फर्म है कि हम लोग का 60 डिग्री आएगा। CD = क्या हो जाएगा, CD/ क्या हो जाएगा हम लोग का, CD/ ए होगा, यानी sin a। AD = क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी sin 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, sin a का वैल्यू कितना निकले हम लोग, 3/5 निकाले हैं, गुणा करा देंगे, 5 करणी में 3/2 में कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये CD। अब ये कितना हो जाएगा, AB = हम लोग का BD + AD।
देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो बी डी ए बी का मान क्या होगा हम लोग का, दो खंडों में बटा है, ए डी धन कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, या बी डी धन ए डी। बी डी का वैल्यू कितना है हम लोग का यहाँ, सी डी धन सी डी इंटू 5/8 आया है, सी डी 5/CD 5/8 CD आगे पीछे लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख दिए ए डी का मनवा। अब देखिए सी डी, सी डी क्या हम लोग का कामन है, सी डी क्या कर लेंगे कामन कर लेंगे, और ये किसके बराबर है हम लोग का, कि कुल वैल्यू हम लोग का 5 के बराबर है, तो 5 यहाँ रख दिए हैं। अब देखिए सी डी कामन है हम लोग का, 5/8 धन 5 करोड़ में 3/6, ये वैल्यू लिख दिए 5। नीचे का क्या कर देंगे हम लोग, इसमें से 5 कामन है, 5 भी कामन कर लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ 1 बचेगा, ये इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा, 1/8 करोड़ में 3/6। इसका एलसीएम लेकर क्या कर देंगे हम लोग, हल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर, कासी स्क्वायर ए प्लस कासी स्क्वायर बी प्लस कासी स्क्वायर सी इक्वल टू 1, तो त्रिभुज ए बी सी है। हम लोग को बताना है कि त्रिभुज कैसा है, कि मतलब समकोणीय है कि कैसा है, ये हल करने पर मालूम चलेगा। देखिए कासी स्क्वायर ए कासी स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² b इक्वल टू प्लस कासी स्क्वायर सी इक्वल टू 1। 1 से 1 क्या हो जाएगा हम लोग, कैंसिल हो जाएगा, कासी स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये कासी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। कासी स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, ये वैसे ही लिख दिए कासी। तो कासी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कासी को लिख सकते हैं कास 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक कासी को और एक कासी वैसे ही लिख दिए हैं। देखिए कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कि माइनस का थीटा होता है, यानी ए प्लस बी का मान कितना होता है हम लोग का, ए प्लस बी प्लस सी का, इसको सी को हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का थीटा, ये कासी वैसे ही उतार दिए इक्वल टू 0, ये कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी क्या कर लेंगे काबर कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा हम लोग का, कास ए माइनस बी, ये काबर नहीं की है बल्कि कास ए प्लस बी को क्या लिखे है, कास सी लिखे है, बाइडस का सी। तो ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी लिख सकते हैं, और कास 180 माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास सी हो जाएगा, ये वैसे ही लिख दिए, ये वैसे ही हम लोग लिख दिए, और ये कास सी, कास सी क्या कर लेंगे कामन कर लेंगे, दोनों में माइनस से माइनस भी कामन कर लेंगे, ये बच जाएगा हम लोग का और ये बच जाएगा। कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा देंगे, 2 cos c + d/2 इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, ये रख कर ये हल कर दिए हम लोग। अब देखिए माइनस से माइनस को उधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे तो 2 cos a cos b cos c = 0, कास ए इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बराबर 90° मिलेगा, क्योंकि कास 0 का, कास 90 का मान कितना होता है, 0, इसको भी 0 दिखाएंगे तो बी बराबर भी 90° मिलेगा, सी बराबर भी 90° मिलेगा, यानी त्रिभुज ए बी सी क्या हम लोग का है, समकोणीय है। समकोणीय मतलब क्या, सामान्य कोणीय नहीं है, समकोणीय मतलब 90° का हम लोग का ये है, जहाँ हम लोग यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग का 28, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60° तो सही कथन है हम लोग का, सही कथन निकालना है। कोण कास बी का फार्मूला क्या होता है, इतना होता है बी की जगह पर रख देंगे कास 60°, बी का मान दिया हम लोग का 60°। अब देखिए 2 AC सब ये लिख दिए, 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा हम लोग का, ए सी का गुणा कर देंगे कि में ए सी हो जाएगा, ये वैसे ही लिख दिए, बी स्क्वायर को इधर कर देंगे, ए सी को उधर कर देंगे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी कर दिए हैं, दोनों तरफ माइनस ए सी घटा दिए हैं कि मान में अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस ए सी जुटेगा तो -2 AC हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 AC, ए माइनस सी का होली स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ये वैसे ही लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, कि बी स्क्वायर माइनस ए सी को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, और इसमें से फंक्शन कौन सा हम लोग का सही होगा, तो ए माइनस सी का होली स्क्वायर, ए माइनस सी का होली स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी पहला फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग का 29, cos2a / a² - cos2b / b² का बराबर मान है, ये किसके बराबर है, तो ये निकालना हम लोग को, क्या करेंगे कि 1/a² आगे कर लेंगे, cos2a का फार्मूला क्या होता है, साइन में 1 - 2 sin² होता है, 1 - -1/b², इसको आगे कर देंगे b² को, cos2b का फार्मूला क्या होगा, साइन के पद में लिख दिए,
क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे वन बाई ए स्क्वायर सेक में वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, गुणा करा देंगे माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे प्लस टू अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि वन अपान ए स्क्वायर टू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं के साइन ए का मान क्या होता है के साइन ए के बराबर होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, ये भी वैसे ही कर दिए गए हम लोग, क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो के का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी ये लिख दिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या होगा साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी हम लोग का कट जाएगा। देखिए टू अपान के स्क्वायर बचेगा हम लोग का, यहाँ भी क्या होगा हम लोग का टू अपान के स्क्वायर बचेगा, इससे क्या होगा ये कट जाएगा हम लोग का वन अपान ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस वन अपान बी स्क्वायर बचेगा हम लोग का, बल्कि यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा तो गलती से लिखा गया था, ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सी स्क्वायर सी बाई टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, क्या कर देंगे कि हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे फार्मूला पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है ये वैसे ही लिख दिए, प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे ये वैसे ही लिख देंगे, क्या कर देंगे हम लोग कि का सी स्क्वायर सी बाई टू से सब में गुणा करा देंगे, इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर का सी स्क्वायर सी बाई टू, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर सी बाई टू, इसमें करेंगे टू ए बी का सी स्क्वायर सी बाई टू, इसका भी वैसे ही गुणा करा देंगे हम लोग। देखिए का सी स्क्वायर सी बाई टू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है हम लोग का, इसको एक जगह लेकर क्या कर देंगे हम लोग कि इतना ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका का सी स्क्वायर इसमें कराएंगे तो ये लाइन क्या है हम लोग का कि ये इसको काट दीजिएगा आप लोग, इस लाइन को क्या कीजिए कि काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का सी स्क्वायर सी बाई टू का इसमें गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर सी बाई टू, और इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस टू ए बी का सी स्क्वायर सी बाई टू। देखिए साइन स्क्वायर का इसमें गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, और प्लस टू ए बी में कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का टू ए बी साइन स्क्वायर सी बाई टू, इसमें से क्या कर देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर देंगे ये बचेगा और ये बचेगा, इसमें से क्या कॉमन है हम लोग का माइनस टू ए बी कॉमन है कासी स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का वन होता है, वन का इसमें गुणा कराएंगे वही होगा टू ए बी, इसी एक इसका फार्मूला होता है हम लोग का तो कास सी का फार्मूला होता है यानी कास टू ए कास टू सी का, कास टू सी का फार्मूला क्या होता है कास स्क्वायर सी माइनस कास साइन स्क्वायर सी होता है यानी दो का भाग है यानी सी बाई टू है तो क्या हो जाएगा कास सी का फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कास टू ए बी कास सी, ये तो किसका फार्मूला हम लोग का तो बी स्क्वायर का है, कैसे बी स्क्वायर का फार्मूला निकला हम लोग का तो कास सी बराबर क्या होता है हम लोग का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान कितना होता है हम लोग का टू ए बी होता है। देखिए टू ए बी का इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा टू ए बी का सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए बी को छोड़कर सबको क्या कर देंगे हम लोग इधर कर देंगे यानी कितना हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर का नहीं बल्कि सी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा हम लोग का, क्योंकि सी स्क्वायर इधर आएगा तो सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस टू ए बी कास सी, यही क्या हो जाएगा हम लोग का तो इतना वैल्यू क्या किसके बराबर होता है सी स्क्वायर के, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसी के साथ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।